देश में इस वक्त गौ हत्या और बीफ को लेकर गदर मचा हुआ है। मोदी के मंत्री बीफ खाने वालों को देश छोड़कर जाने तक की सलाह दे चुके हैं। ऐसे में मोदी टीम के नए सदस्य अल्फोंस ने बीफ को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर देश में नई राजनीतिक बहस छिड़नी तय है। मोदी कैबिनेट में नए पर्यटन मंत्री अल्फोंस कन्ननाथम ने कहा कि भारत में लोगों के खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, जिसे जो खाना है वो अपनी पसंद से खा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केरल में लोगों का बीफ खाना जारी रहेगा। बीजेपी के मंत्रियों के बीफ ना खाने के बयान को पलटते हुए अल्फोंस ने कहा कि बीजेपी ने यह कभी नहीं कहा कि गोमांस नहीं खाया जा सकता है। हम देश में लोगों के खान पान की आदतें तय नहीं कर सकते हैं, इसलिए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी पहले कह चुके हैं कि राज्य में गोमांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक उसी तरह केरल में लोगों के पास गोमांस खाने का पूरा अधिकार है। राज्य में किसी तरह की कोई फूड इमरजेंसी नहीं लगी है। आपको बता दें कि देश में बीफ और गौ हत्या को लेकर कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। बढ़ती हिंसा को लेकर पीएम मोदी भी कड़ी चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी रुकती है ना नेताओं की बदजुबानी। बीजेपी के कई नेता पहले बयान दे चुके हैं कि गौमांस खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि कई नेताओं ने तो जान से मारने की चेतावनी तक दे डाली है। ऐसे में कन्ननाथम का यह बयान राजनीतिक रूप से किसी नए विवाद को जन्म दे सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।